हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों मेरे ख्याल से आप लोग सभी बढ़िया होंगे और मैं भी आप लोगों की दुआ से बहुत अच्छे में हूँ। दोस्तों आपको तो पता होगा, दुनिया में नाम, शहरत और पैसा मिलने के बाद अच्छा अच्छा आदमी भी बदल जाते हैं। हाँ दोस्तों, दुनिया में जितना भी लोग नाम कमाते हैं, और नाम कमाने से पहले एक थे और नाम कमाने के बाद भी चेंज हो जाते हैं। मगर मैं आज दोस्तों उन लोगों के बारे में बात करने के लिए नहीं आया हूँ। दोस्तों मैं आज आपको ये बताने के लिए आया हूँ कि हमारा देश भारत में ऐसा कुछ लोग हैं जो पैसा, नाम और शौहरत कमाने के बाद भी बदले नहीं और आम आदमी जैसा जीवन बिताते रहे। तो दोस्तों चलिए मैं आपको, मेरा वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों को एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरा वीडियो में आप अंत तक बने रहिए और मैं आपको कुछ ऐसा लोगों का नाम बताने के लिए ट्राई करूंगा। दोस्तों मैं आपको 4 से 5 मिनट टाइम लूंगा, मगर आपको मैं कुछ अलग सा बता सकता हूँ। दोस्तों टाइम नहीं गवाते हुए मैं मेरा नाम आपको बता देता हूँ। दोस्तों मेरा नाम है प्रदीप और मेरा चैनल का नाम है सावधान इंडिया प्रदीप। तो दोस्तों मैं मेरा चैनल सावधान इंडिया प्रदीप में सभी लोगों को अपना दिल से स्वागत करता हूँ। दोस्तों मैं पहले जिसका नाम बताने वाला हूँ उनका नाम है APJ अब्दुल कलाम, जिसको मिसाइल मैन बोल के माना जाता है। तो दोस्तों ये APJ अब्दुल कलाम जो हमारा देश का राष्ट्रपति थे, उनको ये पता था कि आदमी जितना पैसा, नाम और शोहरत पाने के बाद उसका वैल्यू नहीं होता। तो इसके लिए दोस्तों 5 साल में जितना सैलरी कमा दे राष्ट्रपति होने के बाद, वो पूरा सैलरी अपना डोनेशन में डाल दिए और चैरिटी फंड में दे दिए। दोस्तों मैं ये आपको ये मज़ेदार बात बताने के लिए कोशिश करूँगा कि आपको पता है क्या, APJ अब्दुल कलाम आदमी लोगों को जितना प्यार करते थे उससे ज़्यादा वो पशु पक्षी को ज़्यादा प्यार करते थे और प्राणियों को ज़्यादा प्यार करते थे। दोस्तों आपको ये बता दूँ कि वो राष्ट्रपति होने के बाद उनका दिल के अंदर में एक ही ख्वाहिश था कि जो राष्ट्रपति भवन है उसको सोलर सिस्टम कर दिया जाए। मगर दुख का बात यह है कि वो 5 साल पूरे होते होते वो चीज़ नहीं हो पाया और अपना जीवन में कभी भी वो इतना पैसा होने के बाद और इसरो में भी रहने के बाद, इतना बड़ा होने के बाद भी कभी दिखावट हमारे और आपके जैसे वो नहीं करते हैं। तो इसके लिए तो उनको आज भी लोग अपना दिल से सलाम करते हैं। टाटा का नाम तो आप सुने होंगे दोस्तों। रतन टाटा का एक छोटा सा वीडियो वायरल हुआ था 1 साल पहले, आप देखे होंगे कि रतन टाटा खुद अपना एम्प्लॉय का घर को आए थे और उनको मिलके चले गए। वो इसके लिए नहीं आए थे कि अपना जो इमेज बढ़ाने के लिए अपना वीडियोग्राफर और कोई कंपनी का कोई फाइनेंस ऑफिसर को लेके चेक देते हुए साइन करेंगे और टीवी में आ जाएगा। ना दोस्तों, आप गलत सोचे, वो अपना एम्प्लॉय को इसके लिए मिलने के लिए आए थे कि उनका जो एम्प्लॉय 20 साल पहले काम कर रहा था ये सुने कि वो बीमार है, तो इसके लिए उसको मिलने के लिए आए थे। तो दोस्तों आपको तो पता होगा रतन टाटा के एम्प्लॉय जितना भी है उन सभी को वो भाई बहन जैसा मानते हैं और ये नहीं सोचते हैं कि वो कंपनी का एम्प्लॉय है, वो ये सोचते हैं कि वो अपना फैमिली मेंबर है। आप तो देखे होंगे दोस्तों, हमारा कंपनी में हमारा कुछ तबीयत, कुछ हेल्थ प्रॉब्लम हो जाता है तो हमारा और आपका HR ये बोलते हैं कि आप लोग हेल्थ सर्टिफिकेट मेडिकल से लेके आइए, फिर नेक्स्ट आपको कंपनी में काम करने के लिए सुजोग मिलेगा। मगर रतन टाटा एक कंपनी का इतना बड़ा आदमी होके भी वो अपना एम्प्लॉय जब तबीयत खराब था, उनका हेल्थ का प्रॉब्लम था, वो उनको मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं पूछे और उनका हालचाल जानने के लिए वो मुंबई से विदाउट सिक्योरिटी उनका घर पहुंच गए। तो दोस्तों देखिए, ऐसा एम्प्लॉयर जो कि एम्प्लॉय को इतना ध्यान देता है तो कैसे वो कंपनी चलेगा,
चलता रहता है और कैसे लोग उसको प्यार करते हैं। तो दोस्तों, मैं रतन टाटा के बारे में कुछ ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ। वो अपना कमाई का 86% शेयर वो गरीब लोगों के लिए डोनेट करते हैं और चैरिटी में दान करते हैं, और अपना इनकम का 90% वो चैरिटी में दान करते हैं। फिर भी इतना बड़ा आदमी होके कभी भी वो ऐशआराम और अपना अच्छा देखने के लिए वो कभी नहीं सोचे, और अपना जिंदगी को आम आदमी जैसे जीने के लिए कभी भी। दोस्तों, मराठा और हिंदी मूवी का जो सुपरस्टार है उनका नाम होता है नाना पाटेकर। आपको तो सुना होगा उनका नाम। दोस्तों, नाना पाटेकर उनका ऐसा चुटकी बजाने से भी लाख लाख रुपए आके उनका पास पहुंच जाता है। मगर आपको ये पता है क्या, वो अपना जो महाराष्ट्र जो मुंबई में अपना घर में 1 BHK घर में अभी भी रहते हैं अपने माँ के साथ। वो चाहते तो बहुत बड़ा बिल्डिंग में ऐशआराम में जीवन बिता सकते थे। मगर दोस्तों, मैं ये आपको बता दूं, नाना पाटेकर ऐसा एक अभिनेता है जो कि अपना जो भी कमाई होता है उसमें 85% गरीब लोगों के लिए दान कर देते हैं और डोनेशन में दे देते हैं। तो इसके लिए तो दोस्तों लोग इतना हीरो के अंदर में नाना पाटेकर को कैसे मानते हैं। तो दोस्तों, मैं नाना पाटेकर का नाम क्यों बोल रहा हूँ, क्यों दूसरा हीरो का नाम नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि वो ऐसा एक आदमी है जो कि अपना पास बहुत सारा पैसा होते होने से भी अपना पैसा को अपना काम में नहीं लगाते और अपना फैमिली का काम में नहीं लगाते और दूसरा लोगों का, गरीब लोगों का भलाई के लिए दान कर देते हैं। तो आप भी नाना पाटेकर को अपना हिसाब में मानते हैं या नहीं मानते हैं, जरूर आप मेरे को ये कमेंट में बता। विप्रो का नाम तो सुने होंगे दोस्तों। विप्रो का जो पूर्व चेयरमैन है आजमी प्रेम जी, उनका बारे में मैं 2 लाइन बताना चाहता हूँ। दोस्तों, जब कोविड का टाइम में पूरा दुनिया कोविड के पीछे भाग रहा था, तो आजमी प्रेम जी ऐसा एक चेयरमैन थे विप्रो का पूर्व चेयरमैन, जो कि एक दिन में 22,000 करोड़ का डोनेशन करते थे और लोगों का भलाई के लिए अपना सब कुछ देने के लिए रेडी थे। उनके पास सभी चीज़ है, उनके पास घर है, उनके पास पैसा है, उनके पास बंगला है, मगर कभी भी उनका दिल में ये नहीं आया कि मैं उसके ऊपर राज करूं और अच्छा से चलूं। तो दोस्तों, इसके लिए आदमी प्रेम जी जैसा आदमी लोग, जब हमारा भारत का प्रॉब्लम होता है, जब फाइनेंशियल इशू होता है, वो लोग अपना जिंदगी का सभी कुछ देने के लिए रेडी रहता है। तो इसके लिए दोस्तों, ये आदमी प्रेम जी जैसा बिजनेसमैन को हम याद रखते हैं, क्योंकि हमको ये पता है कि ये लोग पैसा है मगर पैसा का सही इस्तेमाल करते हैं और अपना इनकम का 4 गुना पैसा वो लोग डोनेशन और चैरिटी में दे देते हैं। सुंदर पिचाई का नाम तो सुने होंगे दोस्तों। सुंदर पिचाई का एक दिन का जो इनकम है वो होता है 5.87 करोड़। तो दोस्तों, ये सोचिए, एक मिडिल क्लास में जन्मा सुंदर पिचाई, जो चेन्नई में जन्मे थे मिडिल क्लास फैमिली में, ये 1 BHK में रहने वाला सुंदर पिचाई वो अपना दुनिया भर में सबसे नंबर 1 पैसा कमाने वाला कैसे बन गया। और वो पैसा कमाने के बाद भी उनका अंदर में ये प्राउडनेस नहीं था कि मैं इतना पैसा कमा रहा हूँ। और आज भी आपको देखेंगे तो कमन आदमी जैसा वो अपना लोगों के साथ मिलते हैं, और कमन आदमी जैसा अपना वेशभूषा और उनका खान पान रहता है। तो दोस्तों देखिए, इतना पैसा कमाने के बाद वो जितना भी अपना कमाई होता है उसमें 70-80% चैरिटी को दान करते हैं और डोनेशन करते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए तो इन लोगों का नाम मैं आज वीडियो में आपको बता रहा हूँ। ऐसा नाम नहीं बता रहा हूँ कि दुनिया में इतना करोड़पति है और करोड़पति का नाम नहीं बताने के लिए जा रहा हूँ, मगर इन लोगों का नाम मैं इसके लिए बता रहा हूँ कि आप लोग इसको सुने और आप भी कुछ
जितना हो सके। मैंने ये नहीं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपका इन लोग जितना दान कर रहे हैं, डोनेशन कर रहे हैं, आप इतना कीजिए। आपका अंदर में जितना हो सके आप वो लोगों को दान कीजिए और आप उनको कुछ देने के लिए कोशिश करेंगे तो हमारा समाज का और हमारा सोशल का कुछ अच्छा हो सकता है। तो दोस्तों, कैसे लगा मेरा वीडियो आपको, आप मेरे को ज़रूर बताइए। ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर मेरे को आप मेरा वीडियो में बताइए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए और आप आपका फ्रेंड लोग के साथ शेयर कीजिए। तो दोस्तों, मेरा तरफ से ये कि आप लोग सभी लोग खुश में रहिए और खुशी बांटते रहिए। और मेरा तरफ से सभी लोगों को ऑल द बेस्ट।